जोशीमठ संकट को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रभावित लोगों के साथ बैठक की। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुंदरम ने कहा केंद्र की कई एजेंसियां जोशीमठ में आई आपदा की जांच कर रही है। यह भी बताया कि अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सचिव ने कहा कि जोशीमठ में अभी तक 2 होटल जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं उनको डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह होटल आसपास के भवनों के लिए भी खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा अभी किसी भी भवन को तोड़ा नहीं जा रहा है। भूदशाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तकलीफी तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये घर शिफ्ट करने तथा 1 लाख रुपये आपदा राहत मद से एडवांस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा। सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। जो लोग किराए के घर पर जाना चाहते हैं उनको 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व उन्होंने हितधारकों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट किया कि भूधसाव से जो भी यहां पर प्रभावित हुए हैं उनको मार्केट दर पर मुआवजा दिया जाएगा। मार्केट की दर हितधारकों के सुझाव को लेकर और जनहित में ही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव के कारण 723 भवनों को चिन्हित किया जाएगा, जिनमें दरारें आई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत आज तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थापित किया जाएगा। देखिए, पहले हमारी इरादा थी कि हम एक टेम्परेरी शिफ्टिंग प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना करके कराएं, उसके लिए जमीन भी हम लोग लेके आए, लेकिन कल पब्लिक की तरफ से ही एक सुझाव आया था कि आप प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक धनराशि दे दीजिए, हम अपने हिसाब से कहीं पर चले जाएंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे या किराए के मकान में चले जाएंगे। तो वो हमको ज़्यादा ठीक लगा, उसके अकॉर्डिंगली जिला प्रशासन का प्रस्ताव है और उस पर अभी शासनादेश भी हो चुका है। 50,000 रुपये का एक धनराशि हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने मन के हिसाब से टेम्पररी सेटलमेंट चाहते हैं।